न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सेंधवा से, जहां सेंधवा के बाईपास पर नारायण दास हॉस्पिटल के सामने एक सचिव को, पंचायत सचिव को मारपीट करने का आरोप लगाया है और ये आरोप सेंधवा विधायक के पीए विजय पाठक पर लगा है। जी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है सेंधवा के जामपाटी के सचिव पर मारपीट करने का आरोप सचिव ने लगाया है और जिसकी शिकायत को लेकर आज सभी सेंधवा ग्रामीण थाने पर सभी सचिव पहुंचे हैं और आरोप ये लगाया है कि सूचना के अधिकार के माध्यम से जो है बार बार शिकायत करना और हमसे शिकायत के एवज में हमसे पैसे मांगते हैं और पैसे मांगने का आरोप ये लगाया है सेंधवा विधायक के पीए विजय पाठक पर। और विजय पाठक पर मारपीट का आरोप लगाया है, मारपीट की है नारायण दास हॉस्पिटल के सामने विजय पाठक ने एक सचिव पर, ऐसा आरोप सचिव ने लगाया है जिसकी शिकायत को लेकर आज सेंधवा ग्रामीण थाने में खूब हंगामा हुआ है, जोरदार नारेबाजी, विजय पाठक मुर्दाबाद जैसे नारे लगे हैं। वे अपने सूचना के अधिकार के माध्यम से शिकायत के बाद जो है लोगों से पैसा मांगने की शिकायत, ऐसे आरोप लगाए गए हैं सचिव द्वारा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है सेंधवा ग्रामीण थाने से, जहां पर सेंधवा ग्रामीण थाने में सचिव पर मारपीट का आरोप लगाया है, विजय पाठक द्वारा मारा गया है, पीटा गया है, ऐसा आरोप सचिव ने लगाया है जिसकी शिकायत को लेकर सेंधवा ग्रामीण थाने पर सारे सचिव मौजूद है। क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्म सिंह चौहान। धर्म सिंह जी, क्या रिपोर्ट कराने आए थाने पर, किस लिए आए आप? विजय पाठक के प्रति शिकायत करने आए। क्यों, क्या कारण बन गया? पंचायतों की शिकायत करते रहते हैं और पैसे की मांग, आपके साथ भी मांग की पैसे की? हाँ। अच्छा, तो आपके साथ अभी ये शर्ट फटावा, क्या हुआ मामला? उन्होंने मारपीट करी। अच्छा, कहाँ पर मारपीट करी? नारायण दास हॉस्पिटल साहब। आपके साथ? अच्छा, और कोई किसी के साथ, और भी किसी के साथ करी? और जुमा जमटी करी दूसरे लोगों के साथ में। आपके साथ, आपको मारा? अच्छा, अभी थाने पे क्या हुआ फिर, आपने बोला? अच्छा, तो FIR करवा रहे हैं आप जी? अच्छा, तो क्या? मेरा नाम सुनील ब्राह्मण है। ब्राह्मण जी, थाने आए जी, क्या वजह है? हमारे एक साथी को बुलाकर पीटा गया। इसके द्वारा? विजय पाठक के द्वारा। क्यों पीटा गया, क्या मामला है? हमारे जैसे विजय पाठक है, सूचना के अधिकार में अनेकों जानकारी मांगते हैं, अभी भी 62 पंचायतों की लगा रखी है, वो एक एक को बुलाता है, एक एक पैसे की मांग करता है और नहीं देते हैं। जैसे ये भाई को अकेले बुला के, अब इसने पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, अकेला देख के इस पे वार कर दिया। कितने पैसों की मांग की? हर पंचायत से 5-5, 10-10 की, जैसे भी जो भी बनता है उस आधार पे करते हैं। कहां पर पीटा इस व्यक्ति को? ये नारायण दास हॉस्पिटल के सामने जो गुमटिया है वहाँ पे। काफी घटना है ये अभी आधा या एक घंटे की। आपने शिकायत करी? थाने आए हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे आदिवासी, हम सभी आदिवासी हैं 80%, है ना, आदिवासी शब्द का उपयोग कर गाली देना, ठीक है, और पैसे की, पैसा क्यों दें? आजकल सभी जानकारी ऑनलाइन है, सभी को पता है, है ना, ऑनलाइन निकाल के वो जानकारियाँ सूचना के अधिकार में लगा सकता है, तो ऑनलाइन तो वो रिपोर्ट निकाल के ये भी देख सकता है कि काम हुआ है कि नहीं है, सभी चीज़ें तो ऑनलाइन है। क्या मारा है इसको, क्या शर्ट वर्ट? इसका शर्ट फाड़ दिया, मोबाइल फूट गया है इसका। अच्छा। और सिर पे भी 2-4 झापड़ लगा है, बता रहे हैं। और आप लोग किस पद पे हैं? हम संयुक्त मोर्चा सचिव और सहायक सचिव दोनों हैं, और संयुक्त मोर्चा हमारा एक संगठन है, हम संगठन के माध्यम से आए हैं। ये कौन है? कहाँ? जिनके साथ मारपीट हुई ये कौन है? ये हमारे सहायक सचिव भाई है, जामपाटी से है, और इनका नाम धर्म सिंह है।